गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ओके। आपको रिकॉल करा दूं मैं कि प्लांट के अंदर जो टिश्यू होते हैं पर्टिकुलर, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में भी आते हैं जो एक टाइप की सेल के बने होते हैं, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। अब हम आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में दो टिश्यू आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट में जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम दो टिश्यू आते हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये एक से ज्यादा टाइप की सेल के बने होते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर टिश्यू। ये प्लांट के वैस्कुलर टिश्यू हैं। वैस्कुलर का मतलब इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर, मिनरल और फूड का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट तो किसमें होता है, जाइलम में, और फूड का ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन किसमें होता है, फ्लोएम के अंदर, ठीक है। इसलिए इनको वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, समझे। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, तो यहाँ प्लांट में ये स्पेशल टिश्यू होते हैं जिनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, रूट से शूट, शूट से रूट, अंडरस्टैंड। तो इनको वन बाय वन करते हैं हम। तो सबसे पहले हम करेंगे जाइलम टिश्यू को। तो सबसे पहले हमारा जो टिश्यू है आज का, वो है जाइलम, ठीक है बच्चों। जाइलम को, जाइलम के अंदर चार प्रकार की सेल होती है। जाइलम एक टिश्यू है कॉम्प्लेक्स परमानेंट, और ये फोर टाइप की सेल से बना होता है। तो चार टाइप की सेल कौन कौन सी है, ट्रैकिड्स, नेक्स्ट है वेसल्स, नेक्स्ट है जाइलम फाइबर, और ये लास्ट है कौन सी, जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम चार प्रकार के एलिमेंट, चार प्रकार की सेल से बना होता है। ये चारों सेल इकट्ठी प्रेजेंट होती हैं, ये चारों पार्ट्स इकट्ठे होते हैं और क्या बनाते हैं, जाइलम। इनका हर एक का अपना अपना रोल है, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना आप, ट्रैकिड, वेसल और जाइलम फाइबर, ये तीनों टाइप की जो सेल होती हैं ये डेड होती हैं। ये तीनों प्रकार की जो सेल होती हैं ये क्या होती हैं, डेड, यानी ये तीनों पार्ट डेड सेल के बने होते हैं। जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर के अंदर याद रखना, जाइलम फाइबर, यहां पर फाइबर लिखा, तो फाइबर आपको मालूम है कहां से आया, स्क्लेरेन्काइमा से, यानी स्क्लेरेन्काइमा जो जाइलम के अंदर प्रेजेंट होता है तो यहां पर क्या कहलाता है, जाइलम फाइबर। वेसल और ट्रेकिड्स, ये भी डेड सेल होती हैं। इनमें सेल वाल काफी थिक होती है, क्योंकि सेल वाल में काफी सारा क्या भरा होता है, लिग्निन, और अंदर जो प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, अंदर ल्यूमन जो है वो खाली होता है, जिसके अंदर से वाटर और मिनरल क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग पार्ट है इसका। तो कहने का मतलब क्या है कि जाइलम के अंदर सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है और सारे पार्ट क्या है, डेड है। ज्यादा पार्ट डेड होने से जाइलम एक और काम करता है प्लांट में, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो जाइलम के अंदर वाटर, मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं, साथ साथ जाइलम मजबूती भी प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट को, क्योंकि ये टिश्यू प्लांट के सेंटर में होते हैं। जैसे मान लो ये प्लांट है, ये स्टेम है, तो सेंट्रल पार्ट में, या कोई रूट है तो सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं ये, बाहर की साइड में होते हैं, अंदर की साइड में होते हैं। तो जाइलम ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, याद रखना। अब एक बात और, जाइलम के अंदर चार प्रकार के अलग अलग सेल हैं, लेकिन जो वाटर है और मिनरल है उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसमें होता है, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स में। तो ट्रैकिड और वेसल्स को मिला के हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हाइड्रोम। ये कंडक्टिव पार्ट हैं। पेपर में आ सकता है कि जाइलम के अंदर कंडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। एक प्रकार से पाइपलाइन होती हैं जो प्लांट्स में रूट से लेके शूट तक फैली होती हैं। इनके अंदर से होता है जो वाटर है, और वाटर के अंदर क्या गोले होते हैं, मिनरल्स, क्योंकि जो रूट्स अब्जोर्व करती हैं वाटर को सोइल से, तो साथ साथ मिनरल्स भी अब्जोर्व करती हैं। तो पानी के अंदर घुलकर मिनरल्स प्लांट के सभी भागों को पहुंच जाते हैं, क्लियर। जाइलम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन केवल यूनिडायरेक्शनल है, रूट से शूट, शूट से रूट्स कभी नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। अब ट्रैकिड्स और वेसल्स में क्या डिफरेंस है, ट्रैकिड्स
एंड वेसल्स में क्या डिफरेंस है, ये भी जरूरी जानना आपके लिए। देखो दोनों के अंदर वाटर कंडक्ट होता है। अब ट्रैक्ट और वेसल दोनों ली गई यहां पर। एक्चुअली ये जो ट्रैकिड वेसल, ट्रैकिस और वेसल्स कौन से प्लांट्स में पाई जाती है, फ्लोवरिंग प्लांट में। फ्लोवरिंग प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स प्लांट, ठीक है ना। प्लांट्स को अलग अलग डिवीजन में हमने डिवाइड किया है। तो जो फ्लोवरिंग प्लांट होते हैं जिनमें फ्लोवर्स आते हैं, उन प्लांट्स के अंदर दोनों पाई जाती हैं। जो दूसरे प्लांट्स होते हैं जो पहले इवोल्व हुए थे फ्लोवरिंग प्लांट से, उनके अंदर केवल क्या होती है, ट्रैकिड्स होती हैं। लेकिन फ्लोवरिंग प्लांट में ट्रैकिड के साथ साथ क्या होती है, वेसल्स। अब इनमें ज्यादा पानी किसे ट्रांसपोर्ट होता है, वेसल से। वेसल जो होती हैं वो इस प्रकार होती हैं, वेसल की सेल ऐसे कनेक्ट होती है, जैसे एक सेल है फिर दूसरी सेल फिर तीसरी सेल फिर आगे, क्लियर। इस प्रकार एक सेल, दो सेल, तीन सेल, इस प्रकार कई सारी सेल जुड़कर, कई सारी सेल आपस में जुड़कर और पूरी एक, पूरा एक वेसल एलिमेंट्स बनाती है, जिसके अंदर से पानी क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट। तो जो वाटर है वो रूट से इसमें आएगा, फिर नेक्स्ट सेल में, फिर नेक्स्ट सेल में, नेक्स्ट सेल में, इस प्रकार ये सारी जो वेसल आपस में कनेक्ट होती है, तो एक सेट्रेंड बन जाता है रूट से शूट तक। तो पानी अंदर से होता है, ऊपर चलता रहता है, ठीक है। आपस में जो यहाँ पर ये जो क्रॉस वॉल है, ये क्या होती है, परफोरेटेड। यहाँ से यहाँ पर आने जाने के चैनल होते हैं, आने जाने के रास्ता होता है, पैसेज होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो पानी आराम से इधर चल रहा है रूट से शूट। पानी की डायरेक्शन यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल है। पानी के अंदर क्या गुले होते हैं, खनिज यानी मिनरल्स गुले होते हैं, तो यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल है। तो वेसल चौड़ी होती हैं, साइलेंड्रिकल होती हैं, क्लियर। ट्रैकिड्स थोड़ी नैरो होती हैं। ट्रैकिड्स ऐसे अरेंज नहीं होती जिस प्रकार ये होती है, ट्रैकिड्स इस प्रकार होती है। ट्रैकिड्स जैसे ट्रैकिड्स एक तो पतली होती हैं, इनका जो एंड होता है ओब्लिक होता है ऐसे, इस प्रकार से। फिर दूसरी ट्रैकिड्स फिर तीसरी ट्रैकिड्स ऐसे, तो ये ट्रैकिड्स, ठीक है। फिर अगली ट्रैकिड्स इस प्रकार से, ठीक है। तो ट्रैकिड्स की अरेंजमेंट एंड टू एंड नहीं होती, क्योंकि ट्रैकिड्स क्या होती है कि बीच में थोड़ी चौड़ी होती है और किनारों पर पतली होती है। तो ट्रैकिड्स तो ऐसे जुड़ी होती है, जैसे एक ट्रैकिड है फिर दूसरी फिर तीसरी, इस प्रकार जिग जैग मैनर में जुड़ी होती है, ठीक है। इसलिए इनमें पानी भी क्या होता है, कम ट्रांसपोर्ट होता है ट्रैकिड्स में एज कंपेयर टू वेसल्स, ठीक है। ट्रैकिड और वेसल्स दोनों ही डेड सेल हैं। इनकी सेल वाल बहुत थिक होती है और सेल वाल में पोर्स होते हैं। सेल वाल में काफी क्या होते हैं, पोर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, पिट्स। क्या बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं। क्योंकि जब पानी ऊपर चल रहा होता है तो पानी साइड में भी निकलता है, क्योंकि मान लो स्टेम है तो सेंटर से पानी ऊपर जा रहा है, तो जो बराबर वाले भाग हैं लिविंग टिश्यू उनको भी पानी मिलना चाहिए, उनको भी क्या मिलना चाहिए, मिनरल्स। तो जो ट्रैकिड वेसल होती है उनकी वाल में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, पिट्स। तो वहां से पानी निकल के बराबर में लेटरल साइड में जाता रहता है, और लेटरल साइड में पानी को पहुंचाने में कौन मदद करता है, जाइलम पैरेन्काइमा। तो एक मैंने लिखा था आपके सामने, जाइलम, जाइलम का एक पार्ट होता है जाइलम पैरेन्काइमा। इफ एनीबॉडी आस्क यू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा, तो ये भी कंडक्शन में हेल्प करता है, ये भी कंडक्शन में हेल्प करता है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर सकता है। लेकिन कौन सी, लेटरल कंडक्शन, साइड में, साइड कंडक्शन, लेटरल कंडक्शन। तो इसके द्वारा लेटरल कंडक्शन होती है बच्चों, लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। ट्रैकिड वेसल में तो पानी ऊपर चलेगा, बराबर में चलेगा किसकी हेल्प से, जाइलम पैरेन्काइमा, क्योंकि सारे इकट्ठे होते हैं। और चौथा पार्ट क्या था जाइलम का, जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर में कोई कंडक्शन नहीं होता, जाइलम फाइबर की जो सेल है वो डेड सेल होती है, सेक्लेरेन्काइमा सेल होती है, और वो केवल क्या प्रोवाइड करती है, जाइलम को मजबूती प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, क्लियर। तो सभी के फंक्शन मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा कौन सा, फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, वेस्कुलर टिश्यू है। लेकिन फ्लोएम के अंदर मेनली मुख्य तौर पे क्या ट्रांसपोर्ट होता है, फूड, ऑर्गेनिक फूड। फूड कहां पर बनता है, लीव्स के अंदर। तो लीव्स में फूड बनता है, वहां से फूड जो है पानी के अंदर डिजोल्व होके और फ्लोएम की सेल के द्वारा प्लांट के अलग अलग भागों में जाता है। एक चीज यहां पर याद रखनी है आपने, फूड का ट्रांसलोकेशनल बाइडायरेक्शनल है। फूड लीव्स से रूट्स, यानी शूट से रूट्स और रूट्स से शूट, दोनों दिशाओं में जा सकता है। डिपेंड करता है किसके ऊपर, सीजन के ऊपर, क्योंकि इन्वायरमेंट में अलग अलग कंडीशन आती रहती है। कई बार बाहर एडवर्स कंडीशन होती हैं, पत्ते झड़ जाते हैं पौधों के, ऊपर वाले भागों में फूड नहीं होता, तो जो नीचे फूड स्टोर है रूट में या स्टेम में, वो फूड ऊपर की तरफ क्या करता है, मूवमेंट करता है फ्लोएम के द्वारा।
और जब प्लांट्स पूरा ग्रीन होता है, फेवरेबल कंडीशन होती है, अच्छे सारे लीव्स होते हैं, तो लीव्स के अंदर से सारी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस, तो काफी सारा क्या बनता है, फूड बनता है, तो वो फूड वहां से लीव से नीचे आता रहता है। तो फूड की ट्रांसलोकेशनल बाई डायरेक्शनल है या मल्टी डायरेक्शनल भी कह सकते हो, बट जाइलम के अंदर ट्रांसलोकेशन केवल क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल। अब लाइकवाइज जाइलम फ्लोएम भी चार प्रकार के सेल के बना होता है, तो फ्लोएम में चार प्रकार के सेल कौन सी होती है, सीव ट्यूब सेल, सीव ट्यूब सेल, दूसरी है कॉम्पेनियन सेल, तीसरा फ्लोएम फाइबर, और चौथा है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, फ्लोएम एज कंपेयर टू जाइलम सॉफ्ट टिश्यू होता है, जाइलम ज्यादा हार्ड होता है, जाइलम को वुड भी हम कहते हैं, लेकिन फ्लोएम थोड़ा सॉफ्ट होता है, क्योंकि फ्लोएम के अंदर केवल फाइबर को छोड़ के सारी सेल क्या होती है, लिविंग होती है, सॉफ्ट होती है, लिविंग होती है, केवल जो फाइबर है, फाइबर का मतलब यहां पर सक्लेरेन्काइमा प्रेजेंट है, तो जो सक्लेरेन्काइमा फ्लोएम में प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाता है, फ्लोएम फाइबर कहलाता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, अब यहां पर पैरेन्काइमा है तो पैरेन्काइमा का फंक्शन अभी बताया था मैंने जाइलम में, तो यहां पर फ्लोएम पैरेन्काइमा उसी तरह काम करता है, लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड, क्योंकि जब फ्लोएम से फूड ऊपर नीचे जा रहा है तो बराबर में जो साइड में जो टिश्यू है, लिविंग टिश्यू, उनको भी मिलना चाहिए, तो फ्लोएम के जो सीव ट्यूब सेल होती है उनके अंदर पिट्स होते हैं, तो वहां से फूड निकल के और जाइलम पैरेन्काइमा के द्वारा बराबर में जो बराबर का पार्ट है, जो कॉर्टेक्स है, अदर पार्ट्स हैं साइड में, उनको भी फूड मिलता रहता है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा लेटरल कंडक्शन में हेल्प करता है, किसकी, फूड की। फ्लोएम फाइबर क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और फूड का ट्रांसलोकेशन केवल किसमें होता है, सीव ट्यूब सेल में, किसमें, सीव ट्यूब सेल में। और सीव ट्यूब सेल को रेगुलेट कौन करती है, कंपेनियन सेल, यानी कि इन दोनों को मैं इसलिए लिखता हूं, कंडक्शन में इन दोनों का रोल है, क्योंकि फूड तो ट्रांसपोर्ट होता है किसमें, सीव ट्यूब सेल में, लेकिन अगर कंपेनियन सेल नहीं होगी तो सीव ट्यूब सेल काम नहीं कर सकती, क्योंकि सीव ट्यूब सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस से कंट्रोल होता है सेल का, और कॉम्पेनियन सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसलिए कॉम्पेनियन सेल सीव ट्यूब सेल के फंक्शन को कंट्रोल करती है, उसके अंदर प्रेशर को बनाए रखना, ग्रेडियंट बनाए रखना, किसका काम होता है, कॉम्पेनियन सेल का। ठीक है, जो भी सीव ट्यूब सेल है उसके साथ एक कॉम्पेनियन सेल मिलेगी, क्योंकि इन दोनों का ओरिजिन सेम, एक जगह से हुआ होता है, बाद में डिफरेंशिएशन होती है। अगर कॉम्पेनियन सेल डैमेज हो जाए तो उसके साथ वाली सीव ट्यूब सेल काम नहीं करेगी, इन दोनों, यानी कि दोनों कंडक्शन में टेक पार्ट करते हैं, इन दोनों को मिला के हम क्या वर्ड यूज करते हैं, लैक्टोम। तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोम, यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, लैक्टोम। तो ये आपने जान लिया, अब एक बार देख लीजिए, तो जाइलम के अंदर जैसे हमने वेसल पढ़ी थी उसी प्रकार सीव ट्यूब सेल होती है, इस प्रकार से साइलेंड्रिकल, ये एक सेल मान लो, फिर ये दूसरी सेल है, जैसे आपस में क्रॉस वाल आपस में कंबाइन है, और क्रॉस वाल के अंदर क्या होते बताए थे मैंने, पोर्स होते हैं ताकि आराम से फूड क्या हो जाए, पास हो जाए यहां से, इस प्रकार ये वेसल। ठीक है, बाहर की सेल वाल क्या होती, थिक होती है, काफी सारी थिक, क्योंकि क्या भरा होता है इसमें, लिग्निन। अंदर जो है, अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता क्योंकि डेड सेल होती है, अंदर खाली होता है। तो फूड की ट्रांसलोकेशन दोनों डायरेक्शन में होती है, सूट से रूट और रूट से सूट, दोनों डायरेक्शन में होती है। तो ये एक मान लो सीव ट्यूब सेल है, तो इसके साथ जो सेल प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पेनियन सेल। हर सीव ट्यूब सेल के साथ एक क्या मिलेगी आपको, कॉम्पेनियन सेल मिलेगी, और कॉम्पेनियन सेल में अपना खुद का क्या होता है, न्यूक्लियस। और कॉम्पेनियन सेल और सीव ट्यूब सेल के बीच में आपस में इंटरकनेक्शन होता है, पैसेज होते हैं, चैनल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा से आपस में दोनों सेल का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा से कोई मेटेरियल यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्माटा एक प्रकार से चैनल है एक सेल से दूसरे सेल में जाने के। कॉम्पेनियन सेल है ये तो होती है सीव ट्यूब सेल, जिसमें फूड क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेट हो रहा है,
और ये क्या है, कॉम्पेनियन सेल है। तो कॉम्पेनियन सेल ही फंक्शन को कंट्रोल करती है, किसके फंक्शन को बच्चों, सीव ट्यूब सेल के फंक्शन को कंट्रोल करती है कॉम्पेनियन सेल। अगर ये कॉम्पेनियन सेल डैमेज हो जाए तो ये सेल काम नहीं कर सकती, क्योंकि इसके अंदर ग्रेडियंट बनाना, प्रेशर बनाना, ओस्मोटिक प्रेशर पैदा करना किसका काम होता है, कॉम्पेनियन सेल का काम होता है, याद रखना, क्लियर, ठीक है। और यहां पर मान लो यहां पर जो सेल प्रेजेंट है वो सेल किसकी होती है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा जो है, जाइलम पैरेन्काइमा बताया था मैंने लेटरल कंडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है, यानी फूड ऊपर नीचे चल रहा है तो साइड में फूड निकलता है, तो साइड में यहां से जाइलम पैरेन्काइमा आएगा, उसके बाद जो बराबर में लिविंग पार्ट है उनको फूड पहुंच जाएगा। तो जाइलम पैरेन्काइमा किस में हेल्प करेगा, लेटरल कंडक्शन में। और इसके अलावा अगर जाइलम फाइबर प्रेजेंट है, फ्लोएम फाइबर, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा, सॉरी बच्चों, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा लेटरल कंडक्शन में हेल्प करता है। और साथ में फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो सकलेन्काइमा सेल के बने होते हैं, फ्लोएम फाइबर को क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो चारों प्रकार की सेल मैंने आपको फ्लोएम के अंदर दिखा दी है, सबका अपना अपना रोल है, लेकिन फूड का ट्रांसलोकेशन किससे होता है, सीव ट्यूब सेल से। और सीव ट्यूब सेल को कंट्रोल कौन करती है, कंपेनियन सेल। तो इनका दोनों का मेन रोल है कंडक्शन। फ्लोएम पैरेन्काइमा लेटरल कंडक्शन में काम करता है जिस प्रकार जाइलम पैरेन्काइमा करता था, और फ्लोएम फाइबर क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि ये सकलेन्काइमा सेल के बने।